नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। फतेहाबाद के वन स्टॉप सेंटर से 17 साल की एक नाबालिग लड़की के गायब होने का मामला सामने आया है। घटना के बाद महिला एवं बाल विकास विभाग के भी हाथ पांव फूल गए और उन्होंने मामले की सूचना सिटी थाना पुलिस को दर्ज करवाई। हालांकि गायब लड़की आज सुबह टोहाना से बरामद कर ली गई और पूछताछ के लिए उसे फतेहाबाद लाया जा रहा है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के परियोजना अधिकारी एवं वन स्टॉप सेंटर के इंचार्ज राजबाला ने बताया कि 17 साल की एक रेप पीड़ित लड़की को 26 जुलाई के दिन टोहाना पुलिस वन स्टॉप सेंटर पर छोड़कर गई थी, लेकिन रात के समय नाबालिग लड़की सेंटर से गायब हो गई। सुबह छानबीन में पता चला कि कूलर के पास लगे हुए गत्ते को हटाकर नाबालिग लड़की वहाँ से फरार हो गई। अधिकारी राजबाला ने बताया कि फिलहाल लड़की को पुलिस ने टोहाना से बरामद किया है। ऐसी जानकारी आज सुबह मिली है। लड़की को फतेहाबाद लाया जाएगा और उसके बाद पूछताछ में ही साफ हो पाएगा कि आखिर लड़की यहां से गायब कैसे हुई। पल पल फतेहाबाद से राजेश भांभो की विशेष रिपोर्ट। हाँ, हमें टोहाना पुलिस ने शेल्टर के लिए छोड़ा था और इससे पहले भी ये दो बार यहाँ आई थी। CWC ने इसको रिकमेंड करके पहले छोड़ा था यहाँ पे, उसके बाद इसको इसके बयान लेके इसको भेज दिया था। उसके बाद ये दोबारा से, क्योंकि पेरेंट्स के पास नहीं रह रही है, तो टोहाना में ही कोई महिला है जिसके खिलाफ ऑलरेडी FIR है, उसी के पास रह रही थी, उसी के पास से पुलिस ने लेके इसको दोबारा हमारे वन स्टॉप सेंटर में छोड़ा था। तो वन स्टॉप सेंटर से ये जो लड़की गायब हुई है, कैसे गायब हुई है? ये रात को कूलर के पास साइड में जो गत्ता लगा हुआ था उसको हटा के वहाँ से भागी है। कितने दिन हो गए मैम इसको? कल गई थी, आज पुलिस ने इसको बरामद कर लिया। अभी तक कोई जाने का कारण बताया मैम कोई? अभी तक तो हमारे पास आई नहीं है इसकी। पुलिस के यहाँ FIR करवा रखा है तो सिटी थाना में उसको लाएंगे, तो वहीं वो अपना बयान दे। आपने करवाई थी मैम FIR? FIR हमने करवाई। क्या नाम है? मेरा नाम राजबाला।